राधे कृष्णा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको हमारी शुभकामनाएं देवउठनी एकादशी का। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को सबसे पहले जगाया जाता है, ये मान्यता है। जगाते कैसे हैं ये मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। जगाना चाहिए, जैसे अपने बच्चों को आप प्यार से जगाते हैं, उठो बच्चे उठो स्कूल जाना है, या प्यार से जो भी कुछ कहना है, इस तरह से भगवान वैसे सोते तो कभी नहीं हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि योग निद्रा में 4 महीने से भगवान शयन कर रहे हैं। कार्तिक देवउठनी एकादशी के दिन वो जागृत होते हैं, तो उनको इस तरह से पहले घर को खूब सफाई करें, रंगोली ज़रूर बनाएं उनके आगमन के लिए, फिर मंदिर में ज़रूर एक रंगोली बना दें, और बनाने के बाद भगवान को मनाएं, हे प्रभु उठिए, आपके बिना मंगल कार्य नहीं हो सकता है, आप उठिए, प्रभु आप जागिए, मेरे जीवन में भी आपका, हमारे हृदय में भी आपका आगमन हो, हमारे मंदिर में आपका वास हो। इस तरह से जो भी आपकी इच्छा है, आप दुलार प्यार से उन्हें जगाएं। उस दिन पंचामृत से उनको स्नान करके नया वस्त्र जरूर पहनाएं। लड्डू गोपाल रखे हैं तो वही विष्णु भगवान हैं, उनको नया वस्त्र अर्पित करें। पीला वस्त्र अगर उनका रंग जो है पसंद का वो पीला होता है, तो पीला रंग का अगर वस्त्र उनको समर्पित करते हैं तो लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनको अन्न का भोग न लगाएं, जो फलाहार आप बनाते हैं पहले उन्हें अर्पित करके स्वयं अर्पित करें। एकादशी व्रत रखने से कितने भी जन्मों का पाप क्यों न हो वो ढेर हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। एकादशी के जागरण मात्र से, अगर कोई व्रत भी नहीं करता है, अगर रात में जागरण कर लेता है, उनके कीर्तन भजन करता है, तो भी वो पाप से मुक्त हो जाता है। हजारों गौ दान के और हजारों भूमि दान के, हजारों तीर्थों के बराबर भी ये एकादशी पुण्य फल देने वाला होता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करें। उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, एकादशी का व्रत सब कर लो। एकादशी व्रत करने वाले कोई नरक में नहीं जाते हैं, विष्णु धाम में सीधे उनका विष्णु धाम में प्रवेश होता है। राधे राधे दोस्तों, 23 नवंबर दिन, गुरुवार के दिन एकादशी व्रत रखा जा रहा है। उसी दिन शालिग्राम से तुलसी विवाह होगा, शाम के समय। शुभ मुहूर्त है 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, इस दौरान संपन्न करें। तुलसी के सामने कोठा जरूर भरें, 31 कोठा बना करके उसको फल से भरना चाहिए, फिर वो दान दे देते हैं द्वितीय तिथि में दूसरे दिन। तो ऐसा कर्म करने से पाप के भागीदार नहीं होंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। संचित फल ये प्राप्त होगा अगले भी जन्म में, इस जन्म में भी। एकादशी व्रत का सबको शुभकामनाएँ। जय श्री राधे राधे।